सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी उस खबर की होगी जिसने दुनिया के 81 देशों के होश उड़ा दिए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा 2-in-1 शैतान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस का ये तूफान अमेरिका के F-35 और F-16 जेट को टारगेट पर ले चुका है। असली जंग तो अब शुरू हुई है। रूस ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा शैतान उतार दिया है जो जमीन से आकाश तक यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। आखिर रूस के Su-34 लड़ाकू विमान में ऐसा क्या है जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो की वायुसेना खौफ में आ गई है। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। पंद्रह महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के लड़ाकू विमान 40,000 फीट से बम बरसा रहे हैं, जबकि 400 फीट से गोलियां बरसा रही हैं। आखिर पुतिन ने इस लड़ाकू विमान को 15 महीने के बाद अब जंग में क्यों उतारा है? 40,000 फीट से बम मार, 400 फीट से गोलियां बरसाएं। चाहे रूस के जनरल हो या फिर यूक्रेन या नाटो के जनरल, सभी का मानना है कि जिसकी वायुसेना और हवाई हमले की ताकत सबसे प्रचंड होगी वही युद्ध का विजेता होगा। पिछले 21 दिनों से रूस पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। रूस के इन हवाई हमलों में इस्कंदर और केंजल जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं। वहीं ईरान के Shahed-136, Shahed-131 और Arash-2 जैसे आतिघाती हमले यूक्रेन के लिए काल बन चुके हैं। यहां तक कि रूस की रॉकेट आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन को मौत का किला बता दिया है, लेकिन इतने प्रचंड हमलों के बावजूद यूक्रेन नाटो के दम पर जंग में टिका हुआ है। इसलिए अब पुतिन ने अपने जनरलों के साथ मिलकर रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 8 शहरों पर भयानक गोलाबारी कर रहा है। रूस का Su-34 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे 2-in-1 शैतान कहा जाता है। रूस का Su-34 एक ऐसा फाइटर है जिसके अंदर फाइटर जेट और बम वर्षक विमान दोनों की जबरदस्त खूबियां हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये Su-34 लड़ाकू विमान अमेरिका के चौथी पीढ़ी के F-16 और पांचवी पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बम वर्षक विमान के रूप में Su-34 अमेरिका के B-1B, B-2 और B-52 बम वर्षक पर इक्कीस साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का Su-34 फाइटर अब तक यूक्रेन पर 500 हवाई हमले कर चुका है। आप भी जान लीजिए कैसा है रूस का Su-34 लड़ाकू विमान। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। Su-34 दो इंजन वाला, दो सीट वाला लड़ाकू विमान है, सभी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है। यानी Su-34 बम वर्षक की तरह बम बरसाता है और फाइटर जेट की तरह गोलियां बरसाता है। Su-34 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्चतम गति से उड़ान भर सकता है। Su-34 4000 किलोमीटर तक गोलाबारी कर सकता है। रूस का दावा है कि Su-34 45,100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है।
अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 19 फुट और 5 इंच है। अपने विशाल आकार के बावजूद Su-34 क्रूज मिसाइलों और 8 टन बमों के साथ सटीक हमला कर सकता है। Мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі у Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене. Це обов'язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов'язок забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. 40,000 фіт зі бам мара, 400 фіт зі голіна версання. अब सवाल उठता है कि आखिर 15 महीने की भीषण जंग के बाद रूस ने Su-34 लड़ाकू विमान को जंग में क्यों उतारा है? इसका जवाब आपको जमीन से आकाश तक चल रही जंग से मिलेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को नेटो के 31 और पश्चिम के 50 यानी दुनिया के 81 देशों से 600 तरह के घातक हथियार मिल रहे हैं। लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को मिल चुके हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बेहद एडवांस और घातक टैंक मिले हैं, जबकि एयर डिफेंस के तौर पर यूक्रेन को जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से बेहद आक्रामक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जो इस वक्त राजधानी कीव में बाज की तरह रूस के हवाई हमलों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अलावा 2 तरह के और एडवांस सिस्टम यूक्रेन में फुल एक्टिव है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई से अब तक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के 3,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन ने तबाह कर डाले हैं, जबकि रूस की 1,500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस ने तबाह कर डाली हैं। अभी रूस मजबूरी में Tu-160 बम वर्षकों से बेहद ऊंचाई से यूक्रेन में बम गिरा रहा है, जो तबाही तो मचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सैन्य ताकत को पूरी तरह से कुचल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब रूस ने Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ यूक्रेन और नाटो की फाइटर जेट और बम वर्षकों को तबाह कर डालेगा, बल्कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी सटीक हमलों से पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। देखिए कैसे Su-34 यूक्रेन और अमेरिका की हवाई ताकत पर भारी साबित होगा। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान Su-35 फ्रंटलाइन बॉम्बर्स, रूसी फ्रंटलाइन एविएशन के स्ट्राइक पावर का एक सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान बन गया है। Su-34 बम वर्षक के रूप में 40,000 फीट से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। दूसरा Su-34 फाइटर जेट विमान की तरह महज 400 फीट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेज गति से सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। यहां तक कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस का Su-34 अमेरिका के बम वर्षक B-1B, B-2 और B-52 की अपेक्षा बेहद तेज गति से उड़ता है। दावा किया गया है कि Su-34 B-1B, B-2 और B-52 पर जंग में भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बेहद फुर्ती से ज्यादा बड़े साइज के बम यूक्रेन में गिरा रहा है, जबकि अमेरिका के बम वर्षक ऐसा नहीं कर पाएंगे। Su-34 विस्फोटक क्षमता वाले फैब 500SH वाले फ्री फॉल बम गिराने में माहिर हैं, जो बेहद कम ऊंचाई से गिराए जाते हैं। Su-34 विमान ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस पर पैराशूट से भी बम गिराने में माहिर हैं, जबकि अमेरिका के बॉम्बर ऐसा नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण टेरिटरी со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и 1 пикап. पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों को यूक्रेन में तबाह करके रख देंगे। Su-34 से रूस ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। पहला, यूक्रेन को मिले MiG-29 जेट को Su-34 हवा में ही तबाह कर रहा है, जबकि यूक्रेन को मिलने जा रहे 200 लड़ाकू F-16 जैसे विमान Su-34 के सामने टिक नहीं पाएंगे, जबकि अमेरिका का F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी रूस के चौथी पीढ़ी के Su-34 को आसानी से मार नहीं पाएगा। यही वजह है कि अब रूस ने हवाई ताकत के दम पर यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है।
it will not be sufficient and the war will last. I think at that time, we will have to reassess the situation to see how to calibrate our support at that time. But let's be clear. If we decrease our support, if de facto we accept a sort of a ceasefire or a frozen conflict, time will be on the Russian side. 1 जून को रूसी वायुसेना को Su-34 का नया बैच मिल गया है। आप ये देख लीजिए कि रूस ने 100 से ज्यादा Su-34 को कहां-कहां तैनात किया है। году без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны, страны Альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. रूसी वायुसेना ने Su-34 को रूस से लेकर सीरिया तक 7 एयरबेस पर तैनात कर रखा है, जहां से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने 106 Su-34 विमानों को जंग में उतार दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 10 Su-34 लिपेट्सक एयरबेस से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, जबकि 2 Su-34 अखिविंस्क एयरबेस से हमला कर रहे हैं। वहीं 24 Su-34 वोरोनेश मालशेवो एयरबेस से दक्षिणी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, जबकि 36 Su-34 मोरोजोस्क एयरबेस से उत्तरी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। वहीं 24 Su-34 खोरबा एयरबेस से कीव और उसके आसपास हमला कर रहे हैं। वहीं 4 Su-34 सीरिया के लाटकिया में खमेई मेम एयरबेस पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। बाकी Su-34 हवा में अमेरिका और नाटो के बॉम्बर और फाइटर जेट को खदेड़ने में लगे हुए हैं। रूस हवाई हमलों से यूक्रेन को पूरी तरह से घुटनों पर ला रहा है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो चुका है। अमेरिका का ही हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी रूस के तूफानी हमलों के सामने टिक नहीं पाया है। इसलिए अब यूक्रेन 200 F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से रूस को तबाह करना चाहता है। और अब अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू करने जा रहा है। जरा देखिए कैसे अमेरिका और यूक्रेन अपने विमानों से रूस को हराना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक द नेदरलैंड्स यूक्रेन को 42 F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है, यानी यूक्रेन की वायुसेना 42 F-16 फाइटर जेट से रूस पर हवाई हमला करेगी। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने शुरू में F-16 जैसे 200 लड़ाकू विमानों की मांग की थी, लेकिन अब खबर है कि द नेदरलैंड से 42 F-16 फाइटर जेट मिलने के बाद वो रूस पर हमले शुरू कर देगा। यूक्रेन के कमांडरों के मुताबिक रूस ने अपने इलाकों को आजाद कराने के लिए उसे तुरंत F-16 फाइटर जेट की 4 एस्क्वाड्रन की जरूरत है, यानी अब यूक्रेन को तुरंत 48 F-16 फाइटर जेट 4 एस्क्वाड्रन में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 42 F-16 फाइटर जेट द नेदरलैंड्स यूक्रेन को देगा, बाकी 6 F-16 जेट दूसरे नेटो देश यूक्रेन को देंगे। वहीं रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिलने जा रहे 42 F-16 फाइटर जेट को हवा में ही तबाह कर देगा। रूस अपने मिग और सुखोई सीरीज के 700 लड़ाकू विमानों से पलटवार करने को तैयार हो चुका है। अब सुखोई 34 फाइटर जेट और बॉम्बर के रूप में रूस का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। All wars come to an end sooner or later, and they either come within one side winning or the other side winning, or they come to a negotiated settlement. This war, militarily, is not going to be won by Russia. 15 महीने की जंग के बाद यूक्रेन के साथ साथ नाटो और पश्चिमी देशों को भी एहसास हो चुका है कि रूस को एक साल के युद्ध के बाद जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूस ने पिछले 16 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यहां तक कि अपनी कैंसल मिसाइलों के तूफानी हमलों से कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले 2 हफ्ते से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक तो बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। रूस को भले ही जंग में भयानक नुकसान हो रहा हो, लेकिन रूसी सेना जमकर पलटवार कर रही है
पूर्वी यूक्रेन के 10 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 1200 से ज्यादा हमले किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि Su-34 लड़ाकू विमान से निपटने के लिए यूक्रेन और नेटो अब क्या करेंगे, क्योंकि रूस का 2-in-1 शैतान यूक्रेन में साक्षात हवाई मौत साबित हो रहा है।